पीएम मोदी से बीजेपी विधायकों की मुलाकात टलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा है, जिसका जवाब देते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि हमने सीएम के खत का जवाब भेजा है। 11 बिंदु में सवाल पूछे गए थे, हमने 13 बिंदु में जवाब दिया है। बता दें सीएम भूपेश ने केंद्र से पैसा नहीं मिलने को लेकर सवाल पूछे हैं, जिस पर नारायण चंदेल ने कहा कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र ने राज्य सरकार को दी है। सरकार ने किन किन जिलों में इस राशि का उपयोग किया है, ये जनता जानना चाहती है। आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को जनता के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है, वो बार बार कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये राशि नहीं मिल रही है, वो राशि नहीं मिल रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, देश प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। उस राशि का आपने क्या उपयोग किया, मुझे मालूम है कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गई है, उसका उपयोग कहाँ किए, किन किन जिलों में किए, किन किन मद में किए, ये जनता जानना चाहती है। क्योंकि हमको तो विकास कहीं दिखता नहीं,